यार ये रास्ते में कौन रख देता पत्थर यार। अरे 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 मुझे गोद में क्यों उठा रहे हो? पंडित जी ने रोमांस करने को बोला है क्या? नहीं यार, पंडित जी ने बोला कि अपने दुख और दर्द खुद ही उठाओ। अरे देखना, मैं फोटो खींच रही थी, पीछे कुत्ती आ गई। तो लिख देना आगे वाली मैं हूँ। कोई रवे ना रवे मेरे नाल, बस यार मेरे यार क्या हुआ तुझे? मेरी ना एक फ्रेंड है, रूठी हुई है मुझसे। मैं सोच रहा हूँ उसे मारने के लिए कौन सी कंपनी का जूते लूँ। मारूंगा तो जरूर। भाई कहीं मैं माँ तो बनने वाला नहीं हूँ यार। भाई टेंशन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या क्या हुआ भाई? रास्ते में एक प्रेग्नेंट लेडी मिली, मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया, टेंशन। फिर डॉक्टर ने बोला आप बाप बनने वाले हो, फिर टेंशन। फिर मैंने बोला ये बच्चा मेरा नहीं है, तो लड़की ने पुलिस वालों को बुला लिया, फिर टेंशन। फिर पुलिस वालों ने मेरा मेडिकल टेस्ट किया तो पता लगा कि मैं तो कभी बाप ही नहीं बन सकता हूँ, फिर टेंशन। फिर पता चला मेरे घर में तो दो बच्चे हैं, वो किसके? फिर टेंशन। ये प्राइवेट स्कूल वालों के अलग ही चोचले हैं। रक्षाबंधन पे तो एक दूसरे को भाई बहन बना दें, जन्माष्टमी पे राधा कृष्ण बना दें। यार करवा चौथ पे क्यों साफ सा सूंघ जाए इन्हें? मां लौंडे के अरमान ऐसी रह गए। भैया हाँ, अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा कितना रिस्क उठा सकते हो? मैंने भगवान से भी अगले जन्म में सेम बीवी मांगे पगले। ज्यादा रिस्क उठा लिया। रुक आया। अबे तेरा दिमाग भी वैसे गोबर ही है, तो तुझे भी तो वही चाटना है। दुश्मन करे दोस्त ने वो काम की। कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में एक असली जिंदा पांडा जैसा दोस्त होता है। पर उस जिंदा पांडा की जिंदगी में भी अब बाबू सोने आ जाते हैं, फिर उनको वेट लॉस करना है। अरे चुलमुले मत कर वेट लॉस, मेरा पांडा ढिमकांडा फलांडा हो जाएगा। क्या लगती है हाय रब्बा, क्या दिखती है हाय। अबे मम्मी है मेरी, इग्नोर। क्या लगती है, क्या दिखती है, क्या हुआ? आज तो मजा ही आ गया। कैसे? वो अपना रिचार्ज वाला नहीं है जो सबको बेवकूफ बनाता था? हाँ। आज मैंने उसको बेवकूफ बना दिया। पर कैसे? 100 रुपए का रिचार्ज करवा के ही नंबर किसी और का दे दिया। प्रीति सर मेरी है और वो मेरी नहीं हुई ना, तो मैं किसी और की नहीं होने दूंगा। तो भाई अगर वो तेरी हो गई तो तू सबकी होने देगा? आज मैं आपको भारत के उन 7 बच्चों के नाम बताऊंगा जो ना तो खुद पढ़ते हैं ना ही किसी और बच्चों को पढ़ने देते हैं। नोबिता, सिजुका, जियान, डोरेमोन, छोटा भीम और 2 वो कमीने मोटू पतलू। आगे एक सूट और ले आई है। अरे परसों ना। की परसों? की परसों बोलो। मतलब मैं कह रहा सी भी परसों भी एक सूट लेके आई है, आज कम से कम 2 तो ले आंदी। अरे भाई जानता है कल का हुआ? का हुआ रे? एक वो मेरा दोस्त है, मेरा मोबाइल निकाल के मेरा गर्लफ्रेंड का नंबर ले लिया। अच्छा फिर? फिर का सर, वो कल रात से अपना बहन को रोमांटिक रोमांटिक मैसेज भेज रहा है।
मैनू तू क्यूटी लगती है। अबे क्यूटी के स्पेलिंग गलत है, क्यूटी नहीं कुत्ती लिखा है। ओह नो। ये देखो हमारी शादी की फोटो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़ जा रहे हो? फीमेल में मेल आता है, शी में ही आता, और तो और वुमेन में भी मैन आता है। मर्दों की पुरानी आदत है औरतों में घुसने की। कहां से लाते हैं माँ बाप गरीबों वाले रीजन इतने? इतनी महंगी चीज इतने में तो वो आ जाता। अरे वो चाहिए नहीं मेरे को। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल इतने में सेकंड हैंड ऑल्टो आ जाती है। मैं कहा पापा इतने में जायदाद का नकली पेपर बन जाता। बेबी तुमने वाईफाई का पासवर्ड चेंज किया क्या? हाँ। क्या है पासवर्ड? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। गलत है। बेवकूफ दिमाग कम है तुम्हें। 1 2 3 4 5 6। बोला मेरे ले ले मेरी जान। अर पप्पू जल्दी भागो जल्दी भागो। क्या हो गया? सुना है भारत ने हिंदुस्तान पर अटैक कर दिया है। तुम्हें डरने का जरूरत नहीं। क्यों? अरे क्योंकि हम लोग तो इंडिया में रहते हैं। यार आज ना मैं मंदिर गई थी मन्नत मांगने के लिए, लेकिन बिना मांगे वापस आ गई। ऐसा क्यों? अरे मैं ये मांगने गई थी कि आपकी जितनी भी दुख तकलीफें हैं ना वो सब खत्म हो जाएं। यार तो मांगी क्यों नहीं? यार मुझे डर लग रहा था दुख तकलीफ तो मैं ही हूँ, कहीं मैं ही ना निपट लूं। 18 साल की लड़की ने 65 साल के बुड्ढे से की शादी। बाद में लोगों ने लड़की से पूछा कि तुमने इस बुड्ढे में ऐसा क्या देखा, तो लड़की ने कहा एक तो इनकी इनकम और दूसरा इनके दिन कम। हंसते रहकर हंसते भी बड़ा अच्छा लगता है तुम। हंसने के लिए बोलिए साले दाचियार ने को नहीं। ये लो पकड़ो अपना एटीएम कार्ड, पैसे पूछ ले तो निकलते नहीं है इसमें से। पर इसमें पैसे तो हैं, तुमने सही से यूज किया था। ओहो जैसे तो मुझे एटीएम कार्ड यूज करना ही नहीं आता ना। सही से यूज किया था मैंने। पहले मैंने एटीएम कार्ड डाला, फिर उन्होंने बोला पिन डालो, मैंने अपने बालों से पिन निकाल के उसमें पिन डाल दी, फिर भी कोई पैसे नहीं निकले। अरे भैया जहर दे दो। भाई बिना डॉक्टर की स्लिप के कुछ नहीं मिलेगा। यार भैया मैं शादी का सर्टिफिकेट लाया हूँ। क्या बात कर रहा भाई, अब रुलाएगा क्या? छोटी बोतल दूँ या बड़ी? खबरदार अगर मेरी सिस्टर को कुछ कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपसे बुरा? आपसे बुरा तो आपके बगल में खड़ा है। तुम्हारे मुंह खराब होने की वजह से मेरी बात कट गई। बेबी आज सुबह से हेडेक हो रहा है। कहाँ बेबी कहाँ? बोलो। हे भगवान मुझे एक ऐसी चीज दे जो मैं रोज खाऊं और उसके पैसे भी ना लगे। डर मत दीदी, डर मत, मेरे को आता है। साला ए बस बोलने आता है, चला हमको धमकी। हाँ बोलना। हाँ गाड़ी तो घर पे ही है। हाँ ले जा आके। ठीक।
क्या हो गया? क्या यार, किसी को भी गाड़ी दे दो, गाड़ी खराब हो जाएगी तो। अरे क्या हो गया? क्या हो गया मतलब मना करो फोन करके चुपचाप। क्यों? क्यों मतलब क्या? गाड़ी हमको किसी को नहीं देनी, खराब हो जाती है। हेलो भाई, मत आ यार, तेरी बहन गाड़ी के लिए मना कर रही है। बाय। मेरा भाई था, कोई बात नहीं, उसको शायद जरूरी होगी, कोई बात नहीं। मना कर दिया, गाड़ी खराब हो जाएगी। मेरा भाई है। नो 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 नो। अगर बेटियां पापा की परी होती हैं तो यार हम भी अपने पापा के पारा हैं, क्योंकि हमको देखते ही हमारे पापा का पारा चढ़ जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। जब मैं 10 साल की थी मम्मी बोलती थी लड़कों से बात मत करना, जब 15 साल की थी तब बोलती थी लड़कों से बात मत करना, जब 20 साल की थी तब बोलती थी लड़कों से बात मत करना, जब मैं 25 साल की थी तब बोलती थी कोई लड़का पसंद हो तो बताना। तुझे पता है लड़की बस और ट्रेन एक जाती है तो दूसरी आती है। और तुझे पता है रिक्शा टेम्पो और लड़के एक बुलाओ तो 10 आते हैं। सच में मम्मी, ये एडमिशन फॉर्म में आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या लिख दूं? हाथ में मोबाइल लिख दे। एओ, एओ, चुप माया ओ। एक दिन मैं बहुत अमीर बनूंगा और सिंगल लड़कों के लिए एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और उसका नाम रखूंगा मेरे बाबू ने थाना थाया। पीछे देखो, पीछे पीछे तू देखो। किधर किधर किधर? उधर देखो। कुछ लोग तो ताना मारकर कहते हैं, तुम लोग तो बड़े लोगों को याद ही नहीं करते। मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम लोगों की कौन सी खून की लिखी हुई चिट्ठी आती है? कसम से ना, तुम ना हो ही नहीं किसी काम के। एक काम बोला था तुम्हें, आगे सौ रुपए ऐसे पसार के बैठ गए इस फोन में घुस जाते हो। देखो तो एक चाय नहीं बना सकते मेरे लिए? हां यार, तुम खूबसूरत हो तो कुछ भी बोलोगी यार। नहीं, मैं बना देता। अरे नहीं नहीं, आप बैठो, आप ना फोन में घुस जाओ, मैं आपके लिए भी चाय बना के लाती हूँ। मैं 10 मिनट के लिए ना मार्केट जा रही हूँ, आपके लिए कुछ लाना है? नहीं, मिली इतना ही बहुत है। ओके।
बेबी ये मेरा दोस्त है, आज डिनर पे आया है। क्या डिनर पे लेके आयो? दिमाग खराब है तुम्हारा? घर की हालत देखिए, मेरी हालत देखिए, कपड़े देखिए मेरे, मैं नहीं बना रही कोई डिनर, मेरे बस की नहीं है, लेके जाओ इसे यहाँ से। बेबी ये बेवकूफ शादी करने की सोच रहा था, मैंने कहा पगले पहले एक डेमो तो देख ले। अबे हाँ बे, तेरी इतनी जुर्रत के तूने मेरे भाई को हाथ लगाया, साले तेरे हाथ के मैं टोटे टोटे करके कुत्तों को खिला दूंगा। ये चूड़ियां पहन के घर बैठा साले, हिम्मत है तो फोन उठा। कल रात घर देर से पहुंचा, बेल बजाई पर बीवी ने गुस्से में दरवाजा ही नहीं खोला, पूरी रात मुझे सड़क पे बितानी पड़ी। फिर सुबह बीवी ने दरवाजा खोला या नहीं खोला? नहीं यार, सवेरे दारू उतरी तब याद आया, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई और चाबी भी जेब में ही पड़ी थी। भाई रस्सा दियो थोड़ा यार। ए, चल पीछे। अबे पागल है क्या, हम जो धूप में खड़े हुए हैं आ जाते पता नहीं कहां कहां से। लगे रहो सालों लाइन में, आज मैं बैंक ही नहीं खोलना, जाओ। तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ पढ़ी लिखी हूँ मैं। इतनी पढ़ी लिखी, पढ़ी लिखी हो तो इसके से पैलंग बताओ। कौन बोल रहा है? पुलिस। अच्छा सुनिए, हमारे घर में एक यंग लड़की घुसी है। हाँ एक चे मजा करो। अरे मजा क्या करो, मजा नहीं कर सकते, ये गुंडी है। जान मैं तो यहाँ हूँ, फिर ये किसका कॉल है? अरे हाँ माँ, के साथ हूँ, बाद में कॉल करता हूँ बेबी, आई लव यू। ओ मेरा बंदा कितना नेक है। जरा मेरा ए, हाथ कैसे पकड़े तूने मेरा? हाँ हाथ कैसे पकड़े? बचाओ बचाओ, हाथ कैसे पकड़े मेरा? हाँ छोड़ मेरा हाथ। बेटा इधर आई हो? हाँ पापा। मैंने सुना तो आजकल सिगरेट पीने लग गई है। पागल है, किसने बोल दिया? अच्छा अच्छी बात है, तो बेटा ये लो 10 रुपए और मेरे लिए गोल्ड फ्लेक लेके आओ। 5 और तो 15 की हो गई है। भैया क्या कहा? भैया संडे बैंक बंद, चल निकल यहाँ से। भैया आज तो वेंसडे है। हाँ तो मैं भी तो जवान हूँ भैया, क्या मतलब हुआ? हेलो मिस्टर। अबे जा, सिगाने का बेटा तू। ओबामा की बेटी के साथ सेटिंग करूंगा भाई साहब। कल घर वालों ने मेरे को घर से निकाल दिया। क्या हुआ? बगैर काम ही निकाल दिया, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं बताता हूँ तेरे को, कल दीदी की शादी थी, दीदी की विदाई हो रही, सॉन्ग बजा दिया वहाँ पे, बाबूले की दुआए लेती जा, मैंने जाके चेंज कर दिया। कौन सा? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल,
गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। वैसे ये बात ने जो झाड़ू मारा पूछी मत तू, और दीदी ने तो चालू गाड़ी में कार में रो रही थी, विंडो में से जो चप्पल फेंकी मुंह पे धाड़ से घर से निकाल दिया। वैसे ये बात तो सही है तेरी, इस बार तुझे बिगड़ काम का मारा, थी भी वो कचरे जैसे कचरे की तरह मेरे को निकाल दिया। मेरे घर पे जगह ना है, मेरे को देगा रेंट पे? मैं गरीबों को ना देता? ओ एटीट्यूड, कोई बात नहीं, मैं भी ओबामा के लेवल का हूँ। खैर किसे पूछूं? एक्सक्यूज मी, हाँ जी, मुझे वर्सोवा जाना था। वर्सोवा? हाँ जी। कुछ काम है? हाँ जी। जरूरी काम है? हाँ जी। बस जाना ही है। ठीक है जाओ। नो 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 भाई कौन सी कास्ट के लोग अच्छे नागरिक होते हैं? बनिए। वो कैसे? भाई हर जगह लिखा रहता है देश के अच्छे नागरिक बनिए, देशभक्त बनिए, तो बनिए ही हुए। चुप कर। क्यों? क्यों? हाँ मैं क्यों चुप करा? तू चुप कर। You call me crazy. हाँ तू पागल है। I know pagal means crazy. नहीं पागल मींस सुंदर, लाइक पागल मींस ब्यूटीफुल। नो इट डजंट, इट मींस क्रेजी। नहीं, यू लिटरली टोल्ड मी दिस यस्टरडे व्हेन समवन रोट पागल ऑन अ वीडियो।